आज भी संसद में हंगामे के आसार, पेगासस और कृषि बिल पर विपक्ष की घेराबंदी। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता, कृषि कानून और जासूसी कांड पर टकराव का अब तक नहीं निकला हल। पेगासस मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा की मांग, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दिया स्थगन प्रस्ताव। लेफ्ट सांसद इलमाराम करीम ने राज्यसभा में दिया नोटिस, पेगासस पर चर्चा के बाद। आज लोकसभा में रखे जाने हैं 6 बिल, ओबीसी लिस्ट में संशोधन का अधिकार राज्यों को देने वाला बिल शामिल। संसद तक पहुंचा दिल्ली में नाबालिग के साथ अपराध का मामला, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिया राज्यसभा में शून्यकाल का नोटिस। ओवैसी ने भी लोकसभा में दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस, हज हाउस के विरोध में महापंचायत बुलाने का मामला। आज संसद भवन में राज्यसभा और लोकसभा विपक्षी पार्टियों के फ्लोर लीडर की बैठक, राहुल गांधी भी रहे मौजूद। 10 विपक्षी दलों ने जारी किया था साझा वीडियो, प्रधानमंत्री पर अपनी बात नहीं सुनने का आरोप। राहुल गांधी आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर, कल पार्टी के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन, हजरतबल दरगाह जाने का भी कार्यक्रम। आगरा में चिकित्सक सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कहा मुझे डॉक्टरों की पीड़ा की जानकारी है, हमें इन्होंने कोरोना काल में बचाया। डॉक्टरों को नड्डा ने दिया भरोसा, बोले हमेशा अपने काम में लगे डॉक्टर्स के साथ पूरा देश। चिकित्सक सम्मेलन में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए, तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश को बताया तैयार। योगी ने यूपी में रोजाना 4 लाख कोरोना टेस्ट किए जाने की कही बात, हर जिले में 100 आईसीयू बेड मौजूद होने का दावा किया। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे, ट्वीट में लिखा 10.25 करोड़ किसानों के खाते में जाएंगे 19,500 करोड़। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लॉन्च करेंगे उज्ज्वला योजना 2.0, अब बिना एड्रेस प्रूफ के ही मुफ्त में मिलेगा एलपीजी गैस कनेक्शन। आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय ओपन डिबेट की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, समुद्री सुरक्षा बढ़ाने पर भी होगी बात। मिजोरम में सीमा विवाद पर आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, साथ होंगे असम के बीजेपी के सभी सांसद। ममता बनर्जी के बाद अब लोकसभा में नेता कांग्रेस अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री को लिखा खत, बंगाल में बढ़ाई जाए वैक्सीन की डिलीवरी। पुलिस थानों पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बड़ी टिप्पणी, सीजीआई ने थाने में मानवाधिकारों को सबसे ज्यादा खतरा बताया। काकोरी कांड की याद में आज लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए, तिरंगा यात्रा के साथ स्वतंत्रता संग्राम शहीदों के परिजनों का सम्मान। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस का योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, सभी 403 विधानसभा सीटों पर होगा प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया है बीजेपी गद्दी छोड़ो का नारा, महंगाई बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर निकालेंगे मार्च। बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा राम मंदिर के नाम पर लिए जाने वाले चंदे से लड़ेगी चुनाव। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का नया एजेंडा, यूपी में बांटेगी फूलन देवी की 50,000 मूर्तियां। वाराणसी में जब्त कर ली गई थी फूलन देवी की कई मूर्तियां, 5 लाख निषादों को दिया जाएगा फूलन देवी का लॉकेट। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर सामना ने लिखा ये द्वेष की राजनीति। सामना ने पटेल स्टेडियम का नाम बदलने और अरुण जेटली के नाम पर स्टेडियम के नाम रखने पर उठाया सवाल, लिखा अलग अलग मानक क्यों। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला। अलीगढ़ में बीएसपी के पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश संयोजक अनीस मंसूरी का तंज, सरकार से अलग हो गया ब्राह्मण समाज। त्रिपुरा में खुवा में टीएमसी नेता की गाड़ी पर हमला, सुबोल भाव में घायल, कोर्ट ले जाते वक्त हुआ हमला। घटना के बाद अगरतला पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी,
थाने पुलिस से बहस की। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, खुबाई पुलिस स्टेशन के बाहर नारेबाजी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया, राशन वितरण का भी जायजा लिया। शहीदों के सम्मान में अंबाला में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज की अगुवाई में हुआ कार्यक्रम। वसुंधरा समर्थक पूर्व मंत्री रोहिताश शर्मा का जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन, बीजेपी से निष्कासित होने पर प्रदेश अध्यक्ष पूनिया पर साधा निशाना। मंडला में 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस पर सार्वजनिक छुट्टी नहीं होने का मामला गरमाया, डिंडोरी में कांग्रेस विधायक का एक दिन का भूख हड़ताल। नोएडा में कांग्रेस की महिला जिला उपाध्यक्ष ने पार्टी के दो पदाधिकारियों पर अश्लील बातचीत का मुद्दा उठाया, गाली गलौच जान से मारने की धमकी देने पर करवाया केस। भारत में 24 घंटे में 35,400 नए कोरोना केस, एक्टिव केस अब भी 4,00,000 से ज्यादा। कोरोना से 24 घंटे में 447 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 151 लोगों की गई जान। केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 18,607 नए बीमार, 53 मरीजों ने गंवाई जान। हरियाणा में 23 अगस्त तक बढ़ा लॉकडाउन, नियमों में दी गई कुछ और छूट। पुणे में लॉकडाउन में राहत का ऐलान, रात 8 बजे तक कारोबारी गतिविधियों की इजाजत। राजस्थान के धौलपुर में चंबल और पार्वती नदी का रौद्र रूप, जिले के 7 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में। उत्तराखंड के काठगोदाम में नरीमन चौराहे के पास कलसिया नाला उफान पर आसपास के लोगों में भय का माहौल। रांची में कांची नदी पर बना पुल पानी के धार में ध्वस्त, 2014 में अब तक 3 बार टूट चुका है यह पुल। बंगाल के बांकुड़ा में माताबेल पुल पर के ऊपर से बह रही है नदी का पानी, यातायात बुरी तरह से ठप, कई कच्चे मकान गिरे। वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी निशान के ऊपर, घाट के पंडा पुरोहितों ने सड़कों पर सजाई अपनी चौकियां। दिल्ली के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश, पुल प्रहलादपुर के अंडरपास में भरा पानी। दिल्ली में बारिश की वजह से यातायात पर भी पड़ा असर, तालकटोरा इलाके में आसपास आपस में भिड़ी कई गाड़ियां। यूपी के औरैया जिले में बाढ़ की मार से यमुना के किनारे रहने वाले लोग परेशान, कई गांवों में लोग कर रहे हैं पलायन। और आइए पहुंचे यूपी के घर घर राज्य मंत्री जय कुमार जय की, बाढ़ पीड़ितों के लिए बन रहे खाने के इंतजाम का जायजा लिया। राजस्थान के भरतपुर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, बारिश के पानी से लबालब तालाब में हादसा। छत्तीसगढ़ में लोक महापर्व रैली में शामिल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर्व से जुड़ी परंपराओं का दिया आनंद। राजस्थान के रणथंभौर में बारिश से सीता माता झरने में झमाझम पानी, पिकनिक मनाने वालों की जुटी भीड़। आंध्र प्रदेश के वाइजैक में स्वतंत्रता सेनानी एलुवी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीताराम ने फूल चढ़ाए। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक परंपरा में चौमासे का वक्त, नोएडा सेक्टर 122 में लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए आवश्यक सामानों का किया दान। रांची में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ युवाओं की अगस्त क्रांति, रोजगार और नौकरी देने के चुनावी वायदे पूरे नहीं होने पर विरोध। बेंगलुरु में बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ की लंच पार्टी में शामिल, कर्नाटक के नए सीएम मुंबई अजीम प्रेम जी और दूसरे कारोबार भी शामिल। झारखंड के लातेहार में पुलिस के सामने नक्सली अनिल उरांव का सरेंडर, अलग अलग थानों में दर्ज थे 11 आपराधिक मामले। मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोर पुरी महाराज का जयपुर में निधन, बालाजी मंदिर में आरती हॉल में भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया पार्थिव शरीर। श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर से छड़ी मुबारक की यात्रा शुरू, रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ पहुंचेगी छड़ी मुबारक। कोलकाता में मां दुर्गा की अनोखी प्रतिमा, चेहरे पर सोने का मास्क और 10 हाथों में मेडिकल के सामान। नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए खुद पर किया था धारदार हथियार से हमला। कानपुर देहात में फसल बर्बाद होने से किसानों ने की आत्महत्या, यमुना की बाढ़ में डूब गई पूरी फसल। हाथरस में बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में खुलासा, पुलिस के मुताबिक संपत्ति विवाद में भतीजे ने की थी हत्या।
फतेहाबाद में नहर से मिली लड़की की लाश, पुलिस को अवैध संबंध में हत्या का शक। सोनीपत में किसान की गोली मारकर हत्या, 5,000 के इनामी बदमाश अपने 4 साथियों के साथ गिरफ्तार। बोकारो की दामोदर नदी में नहाने के दौरान 3 बच्चे डूबे, बच्चों की नहीं मिली लाश, तलाश जारी। राजस्थान के टोंक में नदी में बहने से किसान की मौत, नदी के किनारे पड़ी मिली लाश। सवाईमाधोपुर में सड़क हादसे में एक शख्स की जान, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। मथुरा में अवैध हथियार बनाने वाले गैंग का खुलासा, गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार, 7 तमंचे, 40 जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा के रोहतक में रिटायर्ड फौजी का मिला शव, परिजनों ने जताया हत्या की आशंका। बूंदी में दोस्त नहीं, दोस्त की हत्या की, पैसे के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। मथुरा में मिलावटी दूध बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, सरगना समेत 7 आरोपी गिरफ्तार। इटावा में राहत सामग्री वितरण के बाद भिड़े ग्रामीण, खाने के पैकेट लेकर भागे युवक। सोनीपत में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को मारी टक्कर, हादसे में पति की मौके पर मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती। बाड़मेर में एक शख्स की ससुराल में मौत, कनपट्टी पर गोली लगने से गई जान, देसी कट्टा बरामद। जालौर में युवक की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत, मृतक के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाया आरोप। गोंडा में दिल्ली से बिहार जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 मुसाफिरों की मौत, 11 घायल। बिजनौर में बदमाशों की चुनौती की वजह से बाइक से गिरी महिला, गई जान, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में बहनोई ने साले की गोली मारकर की हत्या, पैसे के विवाद में गई जान। खरगोन में कारोबारी दंपति से लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, कार और मोबाइल जब्त।